अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही फ्रेश और एकदम सॉफ्ट सा हम करेला लिए हैं। इसकी करेला की यूनिक रेसिपी बना कर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी और सभी लोग पसंद करेंगे। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी। अच्छा, इस करेलों को हम पानी में डुबा करके 10 से 15 मिनट तक हम छोड़ दिए थे, और इस पानी में हम एक चमची नमक डाल दिए थे ताकि इसका ऊपर का स्किन का भी करवाहट निकल जाए। यहाँ पर हमारा लास्ट भी हो गया है। अब इस पानी को हम फेंक देते हैं और इसी बर्तन में हम दूसरे पानी ले लेते हैं। ये साफ पानी लेकर के हम इस करेला को फिर से इसमें डाल दिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा फिर नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किए हैं हम इसको। इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं इसमें। ये 3 मिनट हो गए हैं लगभग। अब हम इसको धो लेते हैं पानी से। फिर हम इसको साफ पानी से धो लिए हैं। अब इसको हम कर लेंगे कट। इसलिए इसी तरीके सभी करेले को हम कट कर लेंगे। इसके जो हार्ड बीज है उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पर हम सारे करेले को काट करके रेडी कर लिए हैं, और जो कड़े कड़े इसके जो बीजे हैं, सख्त बीजे, उसको हम निकाल लेते हैं। सारे सख्त बीजों को हम निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको बर्तन में ट्रांसफर करते हैं। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब आप कहेंगे कि इतने सारे नमक क्यों जा रही है? तो जी हाँ, हम नमक इसलिए डाल रहे हैं कि इसका करवाहट पन निकलेगा। पहले हम जो नमक दिए थे उसको हम धो करके पानी से, साफ पानी से धो लिए थे। अभी थोड़ा सा फिर नमक डाली है, और हाफ हम नींबू इसमें निचोड़ देंगे। नींबू का रस भी चला गया हमारा। इसको हम कर नींबू और नमक को हम मिक्स करके इसको 15 मिनट हम छोड़ देंगे ढक करके। ये हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको कंटिन्यू अच्छे से गार लेंगे। ये देखिए, बहुत सारा पानी हमारा इससे निकल रहा है। इसी तरीके से हम सभी करेलों को अच्छे से पानी निचोड़ करके अच्छे से गार लेंगे। ये हमारा सभी करेला का पानी हम निकाल लिए हैं। आप चाहे इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। जो जो बीज हमको दिख रहा है वो हटाते जा रहे हैं। ये देखिए, इतना सारा हमारा पानी इससे निकला है। इसे हम फेंक देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, हाफ टी स्पून डालेंगे। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये कड़वाहट होता है। और थोड़ा सा ही हम नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पहले से ही नमक है इसमें। धनिया और जीरा का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम डालेंगे बेसन, जो कि बहुत ही यूनिक ये है। अब हम इसको डाल देंगे, 3 टीस्पून हम डालेंगे। एक हमारा गया, 2 और 3। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा सभी करेलों में इसका मसाला कोट हो जाए। और बेसन इस तरीके से हम इसमें पानी नहीं देंगे, इसको मलते मलते हो जाएगा हमारा पूरा, अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा। ये हमारा अच्छे से कोट हो गया है। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। अब हम पैन को गैस पे चढ़ा लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल भी आप ले सकते हैं। इसको हम गर्म होने देते हैं सरसों का तेल को। तेल हो गया हमारा हीट। अब हम डाल देते हैं सारे करेलों को जो मैरिनेट करके रखे थे। सारे करेले हमने ऐड कर दिए। तेल में अच्छे से फैला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो ही रखिएगा, खूब हाई नहीं करना है। अभी हम लास्ट में हाई करेंगे। इसको हम ढक करके सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। एक बार हम इसे खोल करके फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा सा फ्राई हो रहा है हमारा करेला। फिर हम इसे ढक देंगे, मिक्स कर दिए हैं। फिर हम इसे ढक करके बना लेते हैं। फिर से हम खोल करके इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसे मिक्स कर लिए हैं। इसको आंच को एकदम हम सोलो ही रखेंगे, और सोलो आंच में हम 5 मिनट पका लेते हैं, और बीच बीच में एक दो बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट हमारा हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और ऊपर से क्रिस्पी भी हो गया है। ये देख सकते हैं इसकी आवाज़।
बहुत ही अच्छा से आवाज़ कर रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्च काट करके, बीच से हल्का चीरा लगाए हैं, वो बिल्कुल भी तीखा नहीं होगा, सिर्फ फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं। अब 2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें इमली के पल्प, आप चाहे तो मैंगो का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस ऐसे कर देंगे मिर्च, बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होता है। इसे हम मिक्स कर लिए हैं, बस 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि हमारा मिर्चा और जो इमली का पल्प दिए हैं वो सौटे हो जाए, एक साथ हो जाए। ढक के 2 मिनट तक हम पका लेते हैं। 2 मिनट हो गया है हमारा, अब हम आँच को कर देंगे, इसका फ्लेम कर देंगे हाई और इसको 1-2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी और हो जाएगा हमारा। हमारा हो गया है अच्छे से फ्राई, ये देखिए मिर्ची भी अच्छे से हमारा तल करके रेडी है। अब हम इसको कर लेते हैं डिसॉर्ट और गैस को हम कर देते हैं बंद। इस प्लेट में हम डिसॉर्ट कर लेते हैं। यह हमारा करेला टेस्टी सा, यम्मी सा और हेल्दी करेला बन करके रेडी हो गया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग करके खाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।